बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। पहले चोरी और फिर सीना चोरी। कटिहार के मोटरसाइकिल चोरी का यह मामला कुछ इसी तरह का है। दरअसल 9 अक्टूबर को नगर थाना ड्राइवर टोला के रहने वाले अरुण दुर्गा स्थान मेला घूमने के लिए गया था। इस दौरान वह मेला के बगल में ही अपना अपाची मोटरसाइकिल लगाकर मेला घूमने चला गया। जब मेला से लौटा तो उसका सफेद रंग का अपाची मोटरसाइकिल गायब था, जिसके बाद अरुण इसकी सूचना वहां पर मौजूद पुलिस टीम को दिया और फिर इस पर विधिवत नगर थाना में मामला दर्ज करवाया। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस और अरुण के पास उपलब्ध है, लेकिन घटना का यूटर्न तब ले लिया गया जब अरुण अपनी मोटरसाइकिल गुम होने की सूचना और उसकी वीडियो फेसबुक के माध्यम से साझा किया। फेसबुक में अरुण के मैसेज साझा होने के एक दिन बाद अरुण को फोन आया कि वह मोटरसाइकिल के चोर बोल रहा है। अगर अरुण 8,000 रुपए दे देता है तो उसे मोटरसाइकिल वापस कर दिया जाएगा। अरुण इसके लिए तैयार हो गया, जिसके बाद तथाकथित मोटरसाइकिल चोर ने एडवांस के तौर पर एक अकाउंट नंबर भी दिया, जिसमें अरुण ने पहले 2,000 और फिर अलग अलग और दो बार कुल 2,850 रुपए मंगवा चुका है, मगर अब तक मोटरसाइकिल का कोई अता पता नहीं है। जो बैंक अकाउंट दिया गया है वह स्थानीय एक बैंक का ही है। अरुण की माने तो वो इस बात की जानकारी भी पुलिस को दे चुका है। फिलहाल पुलिस इस अजब मोटरसाइकिल चोरी के गजब कारनामा पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अरुण को लगता है कि पहले उसके मोटरसाइकिल चोरी और फिर उसके साथ ठगी हो चुका है। तथा कथित मोटरसाइकिल चोर से लेन देन का ऑडियो सुनते हुए अब अरुण आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। बाइक मिला नहीं, काफी प्रयास किए इधर उधर पूरा खोजे, मिले थे मोबाइल टाइगर। भैया लड़का जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब लग जाएगा या 35-30 मिनट लग जाएगा, समझ गए? ठीक ठीक। तो दूगो गाड़ी जाएगा, वो आपका जाएगा उसका जाएगा, गाड़ी में तेल नहीं है, समझ गए? मेरा गाड़ी में आपका गाड़ी तेल था जो निकाल दिया है, और आपका गाड़ी तेल का गाड़ी है, तो तेल के लिए आपको अपना इसका गाड़ी भी जाएगा, आएगा तो तेल जलेगा, तो दोनों तेल का खर्चा दे दीजिए, ठीक है? अच्छा ठीक है। तो तेल दीजिएगा, तेल हमको लेके जाना पड़ेगा ना भैया? नहीं, आप तेल का पैसा भेजिए, तेल भरवा, लड़का तेल लाने जाएगा अभी। फिर अभी वहाँ से हम पैदल निकल चुके हैं, देखिए यहाँ पे नहीं, आपको रुकने के लिए बोले थे ना, इसलिए हम बात कर लिए थे कि तेल उलाए कि ना, है ना, तो थोड़ा जाइए उसको भेज दे, बोल दीजिए भेज देने के लिए, ठीक है? उसी से दे दें हम आपको, जब उस पूरा भैया सुनिया तू लड़का यार, दोनों का मैं 1,000 रुपए दे दिए, ठीक है? तेल लेने अपना पैसा नहीं भराएगा वो, बताइए आपको हम दे देंगे तो अपने भरिएगा अपना पैसा। भैया तुम तो विश्वास रखिए हम दे देंगे, हम जान रहे भैया, विश्वास कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन 200 रुपए ज्यादा पैसे काय कर रहे हैं, ठीक है? ज्यादा थोड़ा आपको डालने के लिए बोल रहे हैं, आपका गाड़ी में 300 रुपए तेल डलाएगा, 300 अपना डलवाएगा, कहा कि देखिए तेल ज्यादा नहीं रहेगा तो प्रशासन उसको रपटेगा, जैसे कब जब पकड़ेगा तो भागेगा कैसे हो, तो तेल तो गाड़ी में एक्स्ट्रा रहना ही रहना है ना, तो उसके लिए आपको जो है ईमानदारी से भेज दीजिए, ठीक है? और टेंशन में डाल रहे भैया, तो पॉकेट से पैसा को क्या बोले हम, फिर घर जाना पड़ेगा, फिर घर से आना पड़ेगा, वो टेंशन आप तो वैसे तो आपको बोले थे, इसीलिए तो आपको बोले थे ना कि मतलब कि आप गाड़ी भी ले जाएगा तो पैसा तो घर जाएंगे तो उसी समय हमको तो देना ही है, घर जाएंगे तो फिर जाइए आप लेके जाइए पैसा, वही हो सकता है आपको बोल देंगे वहीं पे दे देंगे, वहीं पे दे दीजिएगा, ठीक है? 9 तारीख को हम गए थे मेला देखने के लिए दुर्गा स्थान, तकरीबन जब बाहर हम मेला देख कर आए तो 7:45 बजे के करीब गाड़ी नहीं था वहाँ पे, और जब हम चारों बगल खोजबीन किए नहीं मिला, तो मोबाइल टाइगर वहाँ पे मिले थे उनके, उनको भी सारा बात बताए तुरंत, और उनको सारा व्हाट्सएप भी किए। कौन गाड़ी था? अपाची 160 था, वाइट कलर का। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मामला दर्ज हुआ है? उसके बाद रात में थाना पहुँचे, सारा चीज़ सूचना दिए सर को, उसके बाद अगले दिन लिखे एप्लीकेशन जमा दिए थे वहाँ पे, तो कल हमको FIR मिला कॉपी। इस दौरान 11 तारीख को
करीब चोर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं आपका वाइट कलर का अपाची है और आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको 8,000 के करीबन पैसा लगेगा और आप ले लीजिए और गाड़ी हमको दे देंगे। उसके बाद हम उनसे बोले क्या कि नहीं होता है तो आप हमको अकाउंट नंबर और IFSC कोड भेजिए। पहले तो वो नहीं तैयार था, उसके बाद फिर तैयार हुआ तो उसको सारा चीज़ दिए और देने के बाद उसको 2,000 रुपये लमसम भेजे थे। और भेजने के बाद अभी फिर अगले दिन वो उसके बाद परेशान किया पूरा रात तक में, 8 बजे तक हम परेशान रहे जिसमें कुछ नहीं हुआ, नहीं भेजा गाड़ी। उसके बाद हम थाना गए, सारा चीज़ सारा रिकॉर्डिंग और जितना भी था उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग सारा थाना प्रभारी को दिए और जो डिटेल मीनस को मिला उसके अकाउंट से, वो सारा अकाउंट डिटेल भी उनके उनको भेजे हैं। ये जो बातचीत का ऑडियो सुना रहे थे, ये किसके बीच में बातचीत है? चोरा हम लोगों के बीच में। अच्छा, एक बात आप बता रहे थे कि चोरी की जो जानकारी है आप कोई सोशल मीडिया फेसबुक में भी साझा किए थे? जी फेसबुक पे उसको दिखाए थे, साझा किए थे। उसके बाद से ही साझा किए थे फेसबुक में, उसमें लिखकर अपना गाड़ी का जो है चोरी के टाइम में रिकॉर्डिंग, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है जो देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।